हेलो क्लास फिफ्थ वेलकम टू द क्लास माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस और सोशल साइंस का चैप्टर नंबर टू चल रहा है हमारा और चैप्टर नंबर टू में ये है हमारा लेक्चर नंबर थ्री लॉन्गीट्यूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस बार पिछली लेक्चर में हमने लेटिट्यूड के बारे में पढ़ा था इस लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्गीट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स डेट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल लॉन्गिट्यूड्स इमेजनरी लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं देखिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल तो यहाँ से ये लाइन आती है इस तरीके से ये होती हैं हमारी इमेजनरी लाइन और ये कहलाती हैं लॉन्गी ठीक है दीज लाइन्स आर नॉट पैरल टू ईच अदर जो ये लाइन्स हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं एक दूसरे के लैटिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के बट लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते हैं एक दूसरे के दीस लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये लाइंस कहलाती हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? द मेरिडियन डैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन लंडन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन मेरिडियन पास होता है एक, लंडन में जगह है ग्रीन विच नाम की तो ग्रीन विच से मेरिडियन पास होता है तो उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन और द ग्रीन विच मेरीडियन. और कहते हैं ग्रीन विच मेरीडियन. क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन और ग्रीन विच एंड इट स्टैंड एट जीरो डिग्री और ये जीरो डिग्री पर स्टैंड करता है जैसे इक्वेटर जीरो डिग्री पर स्टैंड करता है उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन भी जीरो डिग्री पर स्टैंड करता है ये रहा देखिए प्राइम मेरिडियन ठीक है ना ये दिख रहा है आपको जीरो डिग्री हाँ ये है प्राइम मेरिडियन द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इंटू द ईस्टर्न हेमिसफियर एंड द वेस्टर्न हेमिसफियर प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को डिवाइड कर रखा है ईस्टर्न हेमस्फियर में और वेस्टर्न हेमिसफेयर में इस तरफ का वेस्टर्न हेमस्फियर और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर ठीक है प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न द मेरिडियंस लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड एट डिग्री ईस्ट मेरिडियन जो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में लोकेटेड है वो कहलाती है डिग्री ईस्ट क्या कहलाती है डिग्री से इंडिकेट की जाती है इस तरीके से इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में होता है एंड दोज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड विद डिग्री वेस्ट जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में होता है वो लोकेट किया जाता है डिग्री डब्ल्यू से किससे डिग्री डब्ल्यू से ये साइन होता है उसका ठीक है डब्ल्यू मतलब वेस्ट और ये ईस्ट ठीक है ईस्टर्न कह लो वेस्टर्न कह लो देयर आर थ्री सिक्सटी मैरिडियंस ऑल ऑफ इक्वल लेंथ वन एट्टी टू ईस्ट एंड वन एट्टी टू द बेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन टोटल थ्री सिक्सटी मेरिडियन होते हैं और ये इक्वल लेंथ होती है इनकी प्राइम मेरिडियन से वन एट्टी ईस्ट की तरफ होते हैं और वन एट्टी हमारे बेस्ट की तरफ होते हैं समझ में आया कितने मैरिडियन होते हैं थ्री सिक्सटी वन एट्टी हमारे ईस्ट की तरफ होते हैं और वन एट्टी हमारे वेस्ट की तरफ होते हैं फीचर्स ऑफ मेरिडियन मेरिडियन के फीचर्स क्या हैं ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ्स सारे मेरिडियन इक्वल होते हैं लेंथ में द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर जो डिस्टेंस होता है दो मेरिडियंस का वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर से ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरीडियन डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स जो डिस्टेंस होता है दो मैरिडियन का वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता जाता है ठीक है तो समझ में आया मेरेडियन का होता है मैरिडियन इमेजनरी लाइन्स होती हैं मेरेडियन का होती है मेरेडियन इमेजनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं ये लाइन एक दूसरे के पैदल नहीं होती हैं ये लाइन कहलाती है मेरिडियन ऑफ लैंगीट्यूड ठीक है जो मेरेडियन ग्रीनविच लंडन से ठीक है ग्रीनविच जगह जो है लंदन में वहां से पास होता है उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन और उसका दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन स्टैंड करता है प्राइम मेरिडियन स्टैंड करता है जीरो डिग्री पे ठीक है प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ईस्टर्न हेमिसफियर और वेस्टर्न हेमिस्फियर जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में होता है उसको इंडिकेट करते हैं डिग्री ई से और जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में होता है उसको इंडिकेट करते हैं डिग्री डब्ल्यू से ठीक है टोटल 360 मेरिडियन होते हैं सबकी लेंथ इक्वल होती है 180 एट्टी ईस्ट में होते हैं प्राइम मेरिडियन से और 180 एट्टी वेस्ट में होते हैं प्राइम मेरिडियन से समझ में आ गया ये था आपका लॉन्गिट्यूड तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच